like you. Be strong to hold the powers of the sun. Hey guys, good morning. Welcome back new vlog. तो सुबह का टाइम, सुबह के 10 बजने को आ गए हैं। तो अभी जस्ट वीडियो एडिटिंग करके उठ के आए हूँ। तो अभी तो मुंह वगैरह धोना है और सारा थोड़ा सा काम है सुबह सुबह का, तो चाय वाय बनानी है। माँ तो उठा नहीं, इसलिए माँ तो चली गई। तो थोड़ी देर बाद ही मिलते हैं, देखते हैं आज का व्लॉग कैसा क्या बनता है। बाकी सुबह सुबह व्लॉग तो स्टार्ट कर देते हैं। जस्ट टूथब्रश करने के लिए यहाँ पे रखे थे बुरश, और लेकिन अचानक से अभी पापा का कॉल आ गया। वो बोल रहे हैं कि इनको तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो पापा का फ़ोन आ गया, वो बोल रहे हैं कि बाइक लेके आओ ट्रिप पे। तो वो आए हुए हैं, तो उनके पास जाना पड़ेगा सुबह सुबह। दूध बरसा के ही करेंगे। ये पैंट देखो कितने दिनों से पड़ी है, मैंने धोई नहीं। गाड़ी पे जाने से पहले की पड़ी है, पहनी नहीं। देखो लो, एक महीना होगा इनको। दोबारा से धो के फटी फटी कटी फटी जीन पा के दोबारा। गाड़ी तो ये सामने लगी हुई है, लेकिन पापा पता नहीं कहाँ पे एक और लगी हुई हमारी वाली साथ की। तो गाड़ी में सामान लेके ये देखो, फिर से चूहा घुस गया गाड़ी में और काट दिए। बिस्कुट भी खा गया और भुजिया भी ख़राब कर दिए। देखो और भी सामान ख़राब करता वो, उसके लिए फुल खट्टा ही खट्टा। आदेश के मौज ही मौज, आदेश के लिए लेके आए रोज मक्का मक्का खाने के लिए भी उसको, और वैसे गाड़ी का भी बहुत शौक है उसको, मौज हो गई। तो माँ ने सोफे को उठा के वहाँ से यहाँ रख दिया इसको, ये सही है एकदम। और ये पूरा पूरा कट दिया, ये बाहर ही फेंकना पड़ेगा एकदम। ये देखो लगा देखो कैसे इसके। तो ये बस ऐसा ही करता रहेगा। और अभी टाइम हो गया है, 2 बजने आ गए। और जब नाक में पता नहीं क्या होगा, जब पापा मैं बता रखा है पहले व्लॉग में घर पे होते तो व्लॉग कैसा बनता आपको बताइए, क्योंकि आज पापा घर पे। मैं नहीं चाहता कि मतलब अपने पेरेंट्स मतलब माँ बाप या कोई भी हो वो मतलब व्लॉग में ऐसे मैं व्लॉग करता रहूँ और उनको पसंद नहीं है, उनको झूठ मूठ का दिखाता रहूँ व्लॉग में, तो वो चीज़ है नहीं। वो भी नहीं तो मान लो मैं और कुछ भी और अगर व्लॉग कर रहा हूँ तो उनको नहीं पसंद आना, तो मैं उस दिन व्लॉग करता ही नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना उस दिन। फिर मतलब बिना बेमतलब में उनको व्लॉग में दिखाना या फिर झूठ मूठ का, तो वो चीज़ है। तो इसलिए मैं आज व्लॉग नहीं बनाना पड़ा। मेरे को एक बात बतानी है, बात ये बतानी है कि 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना मेरे, तो यूट्यूब फैमिली के लिए सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ तो क्या है, एक मतलब 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो जो मैंने कहानी बताई थी ना शुरू में कि कहानी लेके आऊँगा, तो 1K सब्सक्राइबर पे एक फुल अपनी मस्त कहानी जो स्टोरी है वो वीडियो आने वाली है। 8 मिनट की होगी, 10 मिनट की होगी, 15 मिनट के लगभग की होगी शायद, तो वो वीडियो बनाऊँगा मैं पहले 1K सब्सक्राइबर होते ही। मैं सोच रहा था, बोला भी हुआ कहानी के बारे में कि 1K सब्सक्राइबर पर बना ही देते हैं, तो आज बता ही देता हूँ। और आज पापा घर पे, तो वो लोग आपको बताइए पता नहीं कैसा बनेगा। और आदेश ऐसे कर ही रहा है, इधर इधर क्या बोल रहा तू थोड़ी देर पहले? हाँ। क्या दिखा? हाँ। क्या दिखा बता बता, क्या बोल रहा था? फोटो। फोटो नहीं, और ही कुछ बोल रहा था। वो लोग बोल रहा था, वो दिखा, वो लोग दिखा अभी। दोबारा चढ़ गया उसको, जाए अरे बस 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 बस, गाड़ी का बस क्या आ जाएगी। जोर से बोल, जोर से। तो अभी तो मैं गेहूँ डाल के आ रहा हूँ वहाँ चक्की पे पिसवाने के लिए, और घर पे वो लोग तो ऐसे ही। तो अभी टाइम मिला थोड़ा, पापा रहते हैं तो वो लोग हम आए नहीं पूरा दिन, और आज भी नहीं बना। दादी राम राम। तो दादी बोल रही है देख कैसे ही चला ले, क्योंकि मैं फ़ोन हाथ में पकड़ रखा है ना, और अभी टाइम मिला थोड़ा तो मैं सोच रहा हूँ व्लॉग कर ही लेता हूँ। बाकी अभी चक्की भी पास में ही आ गई, तो अभी मैं जा रहा हूँ जिम ने।
वो मार्केट में शादी है किसी, तो कार्ड आ रखा है वो पड़ा देखो रेड वाला। तो मेरा तो कोई प्लान नहीं था जिम ने जाने का, क्योंकि ब्रदर को भेज दिया, वो किसी के साथ चला गया, और मैंने ऐसे टोपी वोपी लगा कि मैं बस घर पे हूँ, नाइटी वाइटी मूँ, बस सोएंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अचानक से मूड बन गया नहीं जिम के आएंगे, तो ये निकालते हैं और जिम ने चलते हैं। माँ बोल रही है, पता नहीं क्या बोल रही है, सुनता हूँ। तो माँ बोल रही है थोड़ा ये कपड़े रहने दे। अरे यार कैमरा देखो बार बार में कैसा हो जाता, देखो ना अभी देखना कितना साफ होगा, देख मैं इसे साफ करता हूँ फिर देखना। हाँ आया ना फर्क, देखो ये साफ हो गया। तो ये कपड़े निकाल देता हूँ, फिर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, स्वेटर पहनता हूँ और कुछ ज्यादा चेंज नहीं करूँ, वैसे जाऊँगा जिम ने। बस ये स्वेटर पहन लिया अब, ठीक है थोड़ा अच्छा लग रहा है, कोई वो है नहीं बुरे लग रहे हैं, बाकी जिम के तो आना है तो चलते हैं। पापा भी आ गए बाइक की स्पेशल, जिम ने बिल्कुल जाया मगर पे आ जाता हूँ, तो मार्केट में थे, जूते भी डाल ही लेता हूँ क्योंकि ठंड बहुत हो रखी है, और स्वेटर भी नहीं ले रखी, वो स्वेटर का नाम आता रहा क्या बोलते, टोपी भी नहीं लगा के जा रहा, तो जूते तो डाल ही लेता हूँ। आऊं तो मैं माँ आऊं मैं, ठीक। तो बाइक मैंने इसलिए मंगाई थी क्योंकि जिम ने जाना था और ब्रदर चला गया किसी दूसरे के साथ, तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ मैं सब। हाँ क्या, हाँ माँ से पूछ ले भाई, मैं ले जाऊंगा बेटा। सुन सुन सुन, देख सुबह कितना सामान ला दिया तेरे को खाने के लिए, चीजें ला दी ना, ला के दी थी ना वहां पे, तू नहीं जिम पाया। सुन मेरी बात बेटा, स्वेटर पहन अभी जा, स्वेटर और टोपी लगा जा। नहीं 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 जा, पहले जा घर पे जा, आगे जा। हाँ पापा, पापा को बोल दूँ, पापा को बोल दूँ, पापा को बोल दूँ कुछ चीज नहीं ला के देंगे फिर गाड़ी से, देख ले कुछ भी नहीं ला के देंगे गाड़ी से, देख लियो। मैं बोल रहा हूँ पापा को बोल रहा हूँ कि ये पहन नहीं रहा, मैं बोल दूंगा पहन नहीं रहा ये कुछ भी, ठीक है तू जा। तो ये तो पहनता है नहीं पहनता, लेकिन मैं तो जाता हूँ, चाबी तो लेके नहीं आया बाइक की। सारा था आगे, आगे तो रास्ता ब्लॉक कर रखा है, तो बाइक तो यहीं पे लगानी पड़ेगी, देखो मेडिकल स्टोरेज के पास। आगे तो रास्ता ब्लॉक कर रखा है, दिखा देता हूँ, थोड़ा प्रोग्राम चल रहा है कुछ। हाँ अरे यार वो देखो, वो कुछ नाचना चल रहा है। तो मैं तो बस प्रोग्राम तो देखूंगा नहीं, जिम में जाऊंगा, बहुत लाउडली बोलना पड़ता है इसमें, कोई सुनाई नहीं देगा ना वॉइस। तो खाने खाना आया अपना, खाना खाएंगे और घर पे चल जाएंगे। अरे यार बढ़िया यार, तू मिल ही जाता कहीं ना कहीं। यहाँ पे देख लो, जहाँ पे मस्त माल है ना खाने पीने की, यहाँ पे कोई नहीं है, सारे के सारे वहाँ पे हैं। खाना खाएंगे और घर पे जाएंगे बस, खाना तो हो गया, अब वहीं से जाके बाइक लेनी पड़ेगी और अब गाड़ी के पास जाना पड़ेगा क्योंकि सुबह गाड़ी वहीं पे खड़ी है, खुली है, तो उसको लॉक करके आनी है या फिर देखें घर पे भी लेके आनी पड़ सकती है। थोड़ी देर में घर पे भी आ गया हूँ, घर पे आते ही बताने गाड़ी के पास बता रहा था ना, वहाँ पे जाना पड़ेगा फिर। मैं तो रहा था अनिल आ गया, वो जाके आया तो गाड़ी लेके आ जाएगा, गाड़ी नहीं लेके आएगा तो लोग वो करके आ जाएगा। तो बस गाड़ी शीशे बंद कर दिए, अब घर पे चलते हैं।